नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का टारगेट भी था लोग के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रमोद एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके अध्यापक भर्ती परीक्षा के बाल विकास पाठ्यक्रम के साथ। पिछले सेशन में मित्रों हम लोगों ने भूमिका को समझा था और व्यक्तिगत विभिन्नता को हम लोगों को पढ़ना है, पहला टॉपिक होता है बाल विकास का। यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार तय होना चाहिए था, जो बेस्ट होना चाहिए था हम लोगों को पढ़ने के लिए, वो क्लियर कर लिया हम लोगों ने इससे पहले सेशन में। आज के इस सेशन में मित्रों हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो टॉपिक का नाम हम लोगों का है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता इसी को इंग्लिश में इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता को या व्यक्तिगत विभिन्नता इसको कहते हैं। यह छोटा टॉपिक होता है और शिक्षण के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है ये। एक तरीके से हम जो कहें कि पेडागोजी वाला पोर्शन जो हम तैयार करते हैं, ये पेडागोजी के पोर्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है व्यक्तिगत विभिन्नता, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता का संबंध आप देखेंगे तो बाल विकास के या संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के जब बात करेंगे, जितने भी टॉपिक का अध्ययन हम लोग करते हैं, इसका संबंध सभी से है। समावेशी में भी यह जाकर के जुड़ जाता है, क्योंकि अगर हम समावेशी की बात करें तो स्पेशली जो समावेशी में विशिष्ट बच्चों का वर्गीकरण होता है या विभिन्नताओं का वर्गीकरण जो किया जाता है, शारीरिक आधार पर, मानसिक आधार पर, सामाजिक आधार पर और वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, जो चाहे जितने आधार हों हमारे ह्यूमन बींग के क्लासिफिकेशन के, जब भी हम बात करेंगे तो व्यक्तिगत विभिन्नता वही होती है। तो समावेशी पूरे व्यक्तिगत विभिन्नता को लिए हुए है, तो इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता का टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने पिछले सेशन में भी आपको समझाया था कि जब एक अध्यापक कक्ष में एंट्री करता है, जैसे ही आप क्लासरूम में जाते हो एज ए टीचर, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि आप सबसे पहला वर्ग कौन सा करेंगे। आपकी गुणवत्ता, आपकी कुशलता इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कक्ष के अंदर मौजूद बच्चों के बीच के अंतर को समझा कि नहीं समझा। जब तक आप बच्चों के अंदर के मौजूद विभिन्नता को नहीं समझेंगे, तब तक आपके पढ़ाने का तरीका क्या होगा, आपकी भाषा शैली क्या होगी, आप जिस विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं उसका कठिनाई लेवल क्या होगा, इन सब का निर्धारण आप नहीं कर पाएंगे। और जब तक इन सब का निर्धारण नहीं कर पाएंगे, आप एक प्रभावी टीचिंग का कार्य नहीं कर सकते हैं, आप एक प्रभावी शिक्षक की भूमिका में नहीं आ सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए इस टॉपिक में जो जो चीजें सीखनी हैं, जो हमारे लिए आवश्यक हैं एग्जाम के नजरिए से भी और एज ए टीचर जब हम इसको देखेंगे दोनों नजरिए से, क्या क्या मुद्दे इसमें जानने जरूरी हैं, हम उनकी टू द पॉइंट चर्चा कर देते हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में बैठ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे तो एक प्रश्न हमारे जहन में आएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन का जो क्रम है या इसके अध्ययन की शुरुआत कब से मानी जाती है, इसकी बात आती है तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 1869 में सर फ्रांसिस गाल्टन एक मनोवैज्ञानिक हैं, नाम क्या है, सर फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हेरिडेटरी जीनियस। पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक का नाम था हेरिडेटरी जीनियस। इसी पुस्तक में सबसे पहली बार बुद्धि के आधार पर लोगों के बीच के अंतर को इन्होंने समझाया था। हेरिडेटरी जीनियस को हिंदी में अनुवांशिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके की प्रणाली अपना करके हेरिडेटरी जीनियस में बच्चों के बीच की विभिन्नता को समझाने का प्रयत्न करते हैं।
इससे पहले भी विभिन्नता के अध्ययन का इतिहास माना जा सकता है, लेकिन वह इतिहास जो पुराना है व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन का, हम कह सकते हैं कि हम लोगों के बीच अंतर होता है इस बात की जानकारी हमको कब से है, तो इसका एक उत्तर निकल करके आएगा कि शायद जितना पुराना मानव का इतिहास है ये बात भी उतनी ही पुरानी है। किसी न किसी आधार पर लोगों के बीच अंतर को समझना ये सदियों पुरानी बात हो जाती है, यानी कि हमारे प्राचीन सभ्यता से ही किसी न किसी तरीके से लोगों के बीच के अंतर को समझाया जाता रहा है। लेकिन जो इनसे पहले का इतिहास है, जो हमारे पूर्वज लोगों के बीच के अंतर को समझाने का प्रयत्न करते थे, वह कोई वैज्ञानिक प्रणाली नहीं थी। लेकिन वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करते हुए सबसे पहली बार व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करने का काम कौन कर देते हैं? सर फ्रांसिस गाल्टन कर देते हैं, हेरिडेटरी जीनियस में अनुवांशिक बुद्धि नामक पुस्तक में। इसके बाद बुद्धि से जुड़े तमाम मनोवैज्ञानिकों की एक शाखा आती है, वो लोग भी इनके अध्ययन में अपना योगदान देते हैं, या यूं कह लें कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन में अपनी एक स्वर्णिम छाप छोड़ते हैं। चाहे वो बुद्धिलब्धि के निकाल लेने के बाद बच्चों के आईक्यू लेवल के आधार पर उनके बीच के अंतर को समझाया जाए, चाहे बुद्धि के वर्गीकरण के जरिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने लोगों के बीच के अंतर को समझाया, ये समस्त चीजें व्यक्तिगत विभिन्नता से जुड़ी हुई होती हैं। अब अगर हम कहें कि व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार क्या होता है, कितने आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, आपने विकास के सिद्धांत जब पढ़े हैं, अगर सीटेट की तैयारी करने के दौरान विकास के सिद्धांत का अध्ययन आपने किया होगा, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में एक प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट का, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत में बताया जाता है कि जिस तरीके से दो लोग आपस में एक जैसे नहीं हो सकते हैं, वैसे ही दो लोगों का विकास बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता है, चाहे फिर वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। यानी कि हम में, आप में, प्रत्येक लोगों में किसी न किसी आधार की विभिन्नता अवश्य देखने को मिलेगी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन के क्रम में कुछ मुख्य आधार तो निश्चित होते होंगे, जिसके आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस लोगों के मध्य होते हैं। तो वो मुख्य आधार यहां पर हम आपको बता दें कि मुख्यतः हम लोग तीन आधार लेकर के चलते हैं। पहला आधार लेकर के चलते हैं शारीरिक, दूसरा आधार लेकर के चलते हैं मानसिक, और तीसरा आधार लेकर के चलते हैं व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। व्यक्तित्व, ये तीन आधार पर, यानी कि फिजिकली हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, मेंटली भी हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, यानी कि जो कॉग्निटिव लेवल होता है हमारा, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और पर्सनालिटी के आधार पर भी हम एक दूसरे से अलग होते हैं। ये तीन मुख्य आधार होता है लोगों के मध्य इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पाए जाने का। शारीरिक विकास सभी का एक जैसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ये जो शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, और व्यक्तित्व का विकास हुआ, या यूं कह लें कि टोटल हमारा डेवलपमेंट जो होता है, ये टोटल हमारा डेवलपमेंट डिपेंड करता है हेरिडेटरी एंड एनवायरमेंट पर। हमारी अनुवांशिकता क्या है और हमारा एनवायरनमेंट क्या है, ये दो मुख्य कारक होते हैं जिनके आधार पर हम एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस भिन्नता को अगर हम एक आधार देने का प्रयास करेंगे तो ये तीन मुख्य आधार निकल करके आते हैं हम, जिसके आधार पर सामान्यता लोगों के बीच के अंतर को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या व्यक्तिगत विभिन्नता के कुछ प्रकार भी होते हैं, तो दो प्रकार हम व्यक्तिगत विभिन्नता के आपको समझा देते हैं। एकदम से हम टू द पॉइंट चल रहे हैं, जहां से आपकी परीक्षा के लायक प्रश्न निकल सकते हैं। दो आधार की विभिन्नता को समझाया जाता है। एक विभिन्नता होती है अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता, एक विभिन्नता होती है अंतर्वैयक्तिक, और एक विभिन्नता होती है अंतःवैयक्तिक विभिन्नता। अंतःवैयक्तिक विभिन्नता बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 मिनट का टॉपिक है, और एक अंक या चाहे सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे तब भी ये जरूरी होता है, चाहे सुपर टेट का एग्जाम आप देने जाएंगे तब भी जरूरी होता है, एक अंक तो पूछना ही पूछना है। अंतःवैयक्तिक विभिन्नता, ये दो प्रकार की विभिन्नता का वर्गीकरण देखने को मिलता है।
अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको बोलते हैं, और अंतःवैयक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है इंट्रा इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता को हम कैसे डिफाइन करेंगे और अंतःवैयक्तिक विभिन्नता को हम कैसे डिफाइन करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं हम लोग इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना है तो बिल्कुल सिंपल सा इसका फंडा हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कैसे हम इसको समझेंगे, दो व्यक्ति हम आपके सामने रख रहे हैं, दो व्यक्ति आपके सामने रख रहे हैं, चलिए ये दो व्यक्ति हो गए, आइए ये दो व्यक्ति हो गए। अभी हमने आपको समझाते हुए बताया था कि वैयक्तिक विभिन्नता को मुख्यतः तीन आधार पर समझाया जाता है, शारीरिक आधार पर, मानसिक आधार पर और व्यक्तित्व के आधार पर। अगर हम शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व के आधार पर इन दो व्यक्तियों के बीच देखेंगे तो अंतर मिलेगा। इसका शारीरिक विकास और इसकी शारीरिक क्षमता कुछ और होगी, तो इसका शारीरिक विकास और इसकी शारीरिक क्षमता कुछ और होगी। क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, या यूं कह लें कि जो शारीरिक क्षमता हमको प्राप्त होती है, यह बहुत कुछ हमारी अनुवांशिकता पर डिपेंड करती है, हेरिडिटी पर डिपेंड करती है। तो अगर इन दोनों की हेरिडिटी अलग है तो जाहिर सी बात है कि इनकी शारीरिक क्षमता भी भिन्न होगी, और केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं भिन्न होगी बल्कि मानसिक क्षमता में भी अंतर पाया जाएगा, और व्यक्तित्व के आधार पर भी ये दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो जब हम दो व्यक्तियों के बीच के अंतर को तय करते हैं तब उसी प्रकार के अंतर को इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला जाता है, अंतर वैयक्तिक विभिन्नता बोला जाता है। क्लियर हो गया, सिंपल है एकदम। और अगर हम बात करें अंतःवैयक्तिक विभिन्नता की, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में केवल एक व्यक्ति को लें, हमारे सामने केवल एक व्यक्ति हो, चाहे वो हम स्वयं को रख करके देखें, चाहे किसी भी व्यक्ति को रख करके देखें, किसी बालक को अपने कक्षा कक्ष के आप लेकर के देखेंगे, तो जब किसी एक ही व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाली विभिन्नता को पढ़ते हैं, पाई जाने वाली विभिन्नता को समझते हैं, तो उस प्रकार की विभिन्नता को इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला जाता है, अंतःवैयक्तिक विभिन्नता। अंतः का मतलब होता है अंदर, स्वयं के अंदर की बात करते हैं, तो स्वयं के अंदर की विभिन्नता हो जाएगी। कैसे, हमारे अंदर भी विभिन्नता है। कैसे हमारे अंदर विभिन्नता है, हमारे अंदर विभिन्नता किस बात की है। अगर हम शारीरिक रूप से बहुत पहलवान है, बहुत हृष्ट पुष्ट है, बहुत मजबूत है, शारीरिक विकास हमारा बहुत अधिक हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि मानसिक विकास शारीरिक विकास के अनुरूप ही हुआ हो। चलो मान लेते हैं कि मानसिक विकास भी हमारा बहुत बेहतर हुआ हो, तो क्या यह जरूरी है कि व्यक्तित्व भी हमारा उच्च कोटि का हो? क्या यह जरूरी है कि व्यवहार के हमारे जितने क्षेत्र हैं, जितने पक्ष हैं, हम उतने ही शक्तिशाली उन पक्षों या उन क्षेत्रों में होंगे? नहीं। अगर हम बात करेंगे अपने जीवन के कौशलों से संबंधित, कि मान लीजिए कि हम अपने जीवन में किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं, मान लीजिए हमको गायन कला बहुत बेहतर तरीके की आती है, हम गीत संगीत बहुत बेहतर जानते हो, गाना बहुत बेहतर जानते हो, तो जरूरी नहीं है कि हम नृत्य भी अच्छा जानते हो, नाचना भी अच्छा जानते हो। अगर हम अच्छे खिलाड़ी हैं, प्लेयर अच्छे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम अच्छे पढ़ाकू भी होंगे, लर्निंग भी अच्छी करते हो, ये जरूरी नहीं हो। अगर कोई बच्चा गणित के विषय में बहुत टैलेंटेड हो, तो जरूरी नहीं है कि वह कला के विषय में भी टैलेंटेड हो। अगर कोई बच्चा विज्ञान के विषय में बहुत टैलेंटेड हो, तो जरूरी ये नहीं है कि वह अन्य अध्ययन के क्षेत्रों में भी उतना ही टैलेंट रखता हो। ये जो स्वयं के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में हमारा टैलेंट होता है, वो भिन्न भिन्न होता है, जब इस आधार पर हम देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे अंदर खुद ही अंतर है, विभिन्न क्षमताओं में हमारे अंतर है। तो जब व्यक्ति के स्वयं के अंदर की क्षमताओं का अंतर देखा जाता है, तो इस प्रकार के अंतर को इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस या अंतःवैयक्तिक विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। ये दो प्रकार की विभिन्नता होती है, और बहुत सिंपल से हमने आपको समझा दिया दोनों प्रकार की विभिन्नता को। आइए आगे कुछ विभिन्नता के प्रकार से परिचित हों और समझेंगे कि वहां से प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न बहुत अधिक है यहां पर, प्रश्न यहां पर बहुत अधिक है, बहुत से प्रश्न बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे, तो उसको हम पहले क्लियर कर देते हैं।
अच्छा, एक चीज तो यहां पर क्लियर कर दें, कल हमने आपको समझा दिया था कि इस विभिन्नता का जो मूल कारण होता है वो क्या होता है। एक बार फिर से इस बात को हम समझा देते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि हम दोनों के बीच या हम लोगों के बीच अंतर किस कारण से हो जाता है, तो हमारे बीच विभिन्नता का कारण होता है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अनुवांशिकता तथा वातावरण। ये दो मुख्य कारक होते हैं जिसके कारण हम एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। कैसे, इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक ग्राफ बनाता हूं, इसी के जरिए आपको समझा देता हूं। यहां पर हम हैं, स्वयं को रख के देखा जाए और ये हमारी हेरिडिटी हो गई और ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया। कैसे हम एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, एक दूसरे से अंतर में क्यों हम हमारी क्षमता हो जाती है, हमारी शरीर हो जाती है, हमारी मानसिकता, हमारे व्यक्तित्व हो जाते हैं, उसके पीछे का कारण आप समझिए। ये जो हेरिडिटी है ना और ये जो इन्वायरमेंट है, यही वो कारण होते हैं जिसके कारण हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। समझिए इस बात को, क्योंकि माता और पिता इन दोनों से हमारी उत्पत्ति हुई है। माता के अंडाशय से अंडाणु का उत्सर्जन हुआ और पिता से शुक्राणु का उत्सर्जन हुआ। ये दोनों मिले संयुक्त कोष का निर्माण करते हैं, ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया से हमारे शरीर का विकास होता है। तो जिस समय ये अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के संयुक्त कोष का निर्माण करते हैं, उसी समय 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं संयुक्त कोष में, यानी कि हमारी मूलाधार कोशिका में 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं। ये जो 23 गुणसूत्र होते हैं, इन 23 गुणसूत्रों में जो अनुवांशिक लक्षणों का वहन करता है, अनुवांशिक लक्षणों को पहुंचाने वाला होता है, वह इकाई जीन कहलाती है। और इसी जीन में हमारे पैतृक लक्षण पाए जाते हैं जो कि हमारे माता पिता से हम तक पहुंचाए जाते हैं। प्रत्येक जीन में 100 से लेकर के 300 लक्षण पाए जाते हैं। ये जो 100 से लेकर के 300 लक्षण प्रत्येक जीन में पाए जाते हैं, ऐसे बहुत से जीन हमारे क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत से लक्षण हमको हमारी पीढ़ी से मिलते हैं। यही जो हमको हमारी पीढ़ी से मिलने वाले लक्षण होते हैं, इसी को हम अपनी क्षमता कहते हैं, यानी अनुवांशिक क्षमता हमको हमारी पीढ़ी से प्राप्त हुई, अनुवांशिक क्षमता हमको हमारी पीढ़ी से प्राप्त हो गई। जो क्षमता हमको हमारी पीढ़ी से प्राप्त होती है, इस क्षमता के विकसित होने का अवसर हमको कहां से प्राप्त होता है, तो इस क्षमता के विकसित होने का अवसर हमको हमारा इन्वायरमेंट प्रदान करता है। अगर हम अलग अलग माता पिता की संतानें हैं तो हमारी हेरिडिटी अलग अलग है, हमारी अनुवांशिकता अलग अलग है। जब हमारी अनुवांशिकता ही अलग अलग हो गई तो विभिन्नता तो हमारी हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि आपके पैतृक लक्षणों में अलग तरीके की क्षमता होगी, हमारे पैतृक लक्षणों में अलग तरीके की क्षमता हो गई। तो क्षमता के आधार पर हम एक दूसरे से अलग हो गए, और इसी क्षमता जो हम लेकर के पैदा होते हैं, इसी क्षमता के अकॉर्डिंग हमारा इन्वायरमेंट मिलता है, तो हमारे क्षमता का विकास होता है, परिष्कार होता है। यदि जो क्षमता लेकर के हम पैदा हो रहे हैं, इसी क्षमता के अनुकूल इन्वायरमेंट हमको नहीं मिल पाया, तो हमारी उस क्षमता का विकास नहीं हो पाएगा। तब हम वहां से लर्निंग के जरिए कुछ गेन करने लगेंगे, इन्वायरमेंट से अर्जन करने लगेंगे, नए लक्षणों को, नए गुणों का अर्जन करने लगेंगे। तो ये जो नए गुणों और नए लक्षणों का अर्जन हो रहा है ना, इस आधार पर भी हमारे अंदर विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो अनुवांशिकता के आधार पर क्षमता का प्राप्त होना और इन्वायरमेंट में आकर के कुछ गेन कर लेना, कुछ अर्जित कर लेना इन्वायरमेंट से, ये दोनों चीजें ऐसी होती हैं कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के बीच का जो अंतःक्रिया होती है, जो इंट्रैक्शन होता है, इसी से हमारा डेवलपमेंट होता है। और ये दोनों अलग अलग भूमिका अगर निभा देती हैं
तो इसी कारण से हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यानी कि हमारा विकास किस पर डिपेंड करता है, हमारी हेरिडिटी और हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है। तो अनुवांशिकता के अलग हो जाने के कारण हम एक दूसरे से भिन्न हो गए, एनवायरनमेंट के अलग हो जाने के कारण हम एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का मूल कारण यही होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कितने प्रकार की विभिन्नता होती है जो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो कितने प्रकार की जब हम विभिन्नता की बात करेंगे, टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब भी हम बात करेंगे, तब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उससे हम लोग परिचित होते हैं कि कितने आधार की विभिन्नता होती है। तो पहले तो जो मुख्य आधार होते हैं उसको ले लेते हैं, शारीरिक को पहले ले लेते हैं। शारीरिक आधार की विभिन्नता पहली विभिन्नता होती है। शारीरिक आधार की विभिन्नता कौन होती है? पहली विभिन्नता है शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता में कोई कद का लंबा हो सकता है, कोई कद का छोटा हो सकता है, कोई मध्यम कद का ठीका हो सकता है, कोई शारीरिक रूप से गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई सांवला हो सकता है। इस तरीके के शरीर के रूप रंग में अंतर हो जाएगा। अगर हम भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र के लोग की अलग शारीरिक क्षमता, शारीरिक बनावट, शारीरिक लंबाई होगी, और मैदानी क्षेत्र के लोगों की अलग शारीरिक बनावट और शारीरिक रूप रंग होंगे। इसी प्रकार से गर्म और ठंडे प्रदेश की बात तुलना करें तो जो ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं वो शारीरिक रूप से ये सुस्त होते हैं, थोड़े से लेजी होते हैं, थोड़े से फुर्तीले होते हैं। जो गर्म प्रदेश के होते हैं जिनमें ज्यादा कैलोरी बर्न हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो थोड़े से लेजी प्रवृत्ति के होते हैं। तो गर्म प्रदेश के लोग शारीरिक रूप से थोड़े से काले होते हैं, लंबाई भी ज्यादा होती है, कद काठी में अलग होते हैं इनकी तुलना में, ठंडे प्रदेश के लोगों की तुलना में। तो इस प्रकार से चाहे हम भौगोलिक परिदृश्य की बात कर दें, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से केवल एक समाज का अवलोकन कर लें, किसी भी आधार पर अगर हम देखेंगे तो लोगों में शारीरिक अंतर पाया जाता है। इस तरीके की विभिन्नता को शारीरिक विभिन्नता कहते हैं। दूसरी विभिन्नता की अगर हम बात करें, मानसिक विभिन्नता, दूसरी विभिन्नता की बात कर लेते हैं, मानसिक विभिन्नता। आइए इस बात को समझा देते हैं, मानसिक विभिन्नता को। मानसिक विभिन्नता को समझना है तो आपको फ्रीमैन तथा फ्लोरी का, फ्रीमैन और फ्लोरी, इनका एक संभाविता वक्र आपको पढ़ लेना अनिवार्य होगा। फ्रीमैन, फ्लोरी का, स्किनर का भी योगदान इसमें रहा है। ये मानसिक विभिन्नता का एक संभाविता वक्र समझाते हैं। इसी संभाविता वक्र के जरिए हम मानसिक आधार की विभिन्नता को बड़े आसानी से समझ लेंगे। क्या है मानसिक आधार की विभिन्नता संभाविता वक्र के आधार पर? आइए इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये एक प्रकार का ग्राफ मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें फ्रीमैन तथा फ्लोरी का यह मानना है। इस ग्राफ को पहले मैं बना देता हूं। आइए देखिए, ये ग्राफ है फ्रीमैन तथा फ्लोरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो मानसिक विभिन्नता को समझाते हुए बताते हैं। क्या बताते हैं? बताते हैं कि 50% के लोग, जो 50% होते हैं, 50% लोग सामान्य बुद्धि के होते हैं, 50% लोग सामान्य बुद्धि के होते हैं, 21% लोग सामान्य से थोड़े से उच्च होते हैं, 7% लोग प्रतिभाशाली होते हैं, और 2% लोग प्रखर बुद्धि होते हैं। ठीक इसी तरीके से 21% सामान्य से कम होते हैं, 7% ऐसे लोग होते हैं जो मंद बुद्धि होते हैं, और 2% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप जड़ बुद्धि कहते हैं। नोट कर देते हैं इन सब बातों को। ये सामान्य हो गए, सामान्य मानसिक क्षमता के, ये सामान्य से उच्च मानसिक क्षमता के, सामान्य से उच्च मानसिक क्षमता,
इनको आप प्रतिभाशाली कहेंगे, 7% प्रतिभाशाली, और जो प्रतिभाशाली से भी उच्च होते हैं ऐसे 2% लोग होते हैं जिनको प्रखर बुद्धि बोला जाता है। ठीक इसी तरीके से 21% सामान्य से कम, 7% मंद बुद्धि और 2% जड़ बुद्धि होते हैं जिनको एडियट बोला जाता है। ये एक प्रकार का संभाविता वक्र है जो व्यक्तिक विभिन्नता को स्पष्ट तरीके से समझने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो 50% लोग सामान्य होते हैं ये बिल्कुल एक जैसे होंगे मानसिक आधार पर। एक औसत बताया गया है, औसत में भी अंतर पाया जाता है। जैसे सामान्य बुद्धि लब्धि की जब हम बात करते हैं तो 90 से लेकर के आप कहते हैं कि 110 तक सामान्य बुद्धि लब्धि के लोग होते हैं। यही जो 90 से 110 के बीच के लोग हैं ये 50% हैं। किसी का 90 होगा, किसी का 91 होगा, किसी का 92 होगा, पॉइंट में भी अंतर होगा आईक्यू लेवल के आधार पर, लेकिन कुल मिला जुला करके इनको एक कैटेगरी प्रदान की जाती है, सामान्य कैटेगरी प्रदान की जाती है बुद्धि के आधार पर, तो ये औसत हो जाते हैं या सामान्य हो जाते हैं। इसमें से किसी भी एक ग्राफ को आप उठा करके ये नहीं कह सकते हैं कि सर अगर 2% प्रखर हैं तो इनमें तो समानता हो गई। नहीं, इनमें समानता भी नहीं है, क्योंकि जो प्रखर हैं उनमें भी तो अंतर पाया जाएगा, आईक्यू लेवल में थोड़ा बहुत इधर उधर तो अंतर होगा ही होगा। कुल मिला जुला करके विभिन्नता निश्चित रहेगी। बस एक औसतन मानसिक आधार पर विभिन्नता को प्रस्तुत करने का एक ग्राफ इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आइए मानसिक आधार की विभिन्नता को जब हम समझ लिए हैं तो और भी आधार की विभिन्नता को हम समझें। मानसिक आधार की विभिन्नता के बाद की बात करें हम, व्यक्तित्व के आधार की विभिन्नता की, पर्सनालिटी के आधार पर भी लोगों में अंतर पाया जाता है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण बहुत से मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सेल्डन ने भी प्रस्तुत किया व्यक्तित्व का वर्गीकरण, क्रेस्मर ने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, और बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिकों की एक शाखा आती है जो व्यक्तित्व को समझाने का प्रयत्न करते हैं शारीरिक बनावट के आधार पर। शारीरिक बनावट के आधार पर बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व में अंतर समझाने का प्रयत्न किया था। कुल मिला जुला करके अगर हम सिंपल सी बात करें, यंग के व्यक्तित्व के वर्गीकरण की केवल हम बात कर लें, स्पेशली बड़ा प्रभावकारी इनका वर्गीकरण था, व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण जिन्होंने किया है। बाकी लोगों का व्यक्तित्व का वर्गीकरण तो शरीर को आधार मान करके किया गया है। शरीर को आधार मान करके करने का मतलब क्या है कि शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा गया है कि जो लंबा होता है उसका व्यक्तित्व ऐसा होता है, जो बौना होता है उसका व्यक्तित्व ऐसा होता है। तो बहुत से लोगों ने जो जैविक आधार होता है शरीर का उसको आधार मान करके व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं, लेकिन यहां पर युंग ने सामाजिक आधार पर जो वर्गीकरण समझाया था केवल हम उसी के आधार पर व्यक्तित्व को समझ लें तो बात क्लियर हो जाएगी। व्यक्तित्व के जब हम सामाजिक आधार की बात करेंगे तो तीन प्रकार के व्यक्तित्व निकल करके आएंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, और एक व्यक्तित्व निकल करके आएगा उभयमुखी। ये तीन प्रकार के व्यक्तित्व देखने के मिलते हैं लोगों के बीच। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग जो होते हैं जो अपने भाव और विचार को दूसरे तक प्रेषित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग वो होते हैं जो थोड़े से चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, अपनी भाव अभिव्यक्ति को आसानी से वो दूसरों तक पहुंचा देते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण पहले तो युंग ने नहीं प्रस्तुत किया था, बाद में इनके शिष्यों ने उभयमुखी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण करके इनके अध्ययन में इस एक और व्यक्तित्व के प्रकार को जोड़ दिया जिसमें दोनों प्रकार का लक्षण पाया जाता है। जो अवसरवादी एक प्रकार से कह लें कि जैसा अवसर आता है, जैसा माहौल आता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी कि जरूरत पड़ने पर अंतर्मुखी हो जाते हैं और जरूरत पड़ने पर बहिर्मुखी हो जाते हैं, ऐसे लोग उभयमुखी प्रकार के होते हैं। तो आप देखिएगा कि व्यक्तित्व के आधार पर भी तो हम एक दूसरे से भिन्न हैं। अब आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि सर बहुत से लोग अंतर्मुखी होंगे तो क्या उनमें समानता होगी? नहीं, बहुत से लोग अंतर्मुखी होंगे फिर भी उनमें समानता नहीं होगी, बहुत से लोग बहिर्मुखी होंगे फिर भी उसमें समानता नहीं होगी। बहिर्मुखी का मतलब कि जो अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं, तो हर लोगों में
इस क्षमता में भी अंतर पाया जाएगा कि जो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा दें उसमें भी कई लोगों की क्षमताओं की बात करेंगे तो उसमें भी भिन्नता पाई जाएगी। लेकिन सामान्यतः अगर हम देखें तो व्यक्तित्व के आधार की विभिन्नता यही तीन प्रकार की हो गई। इसलिए तीन मुख्य आधार जो हमको हमको एक दूसरे से भिन्न कर देता है, पहले तो हमने उसका अध्ययन कर लिया। अब कुछ अन्य आधार भी हैं जिनके आधार पर विभिन्नता को समझा जा सकता है, जैसे संवेग इमोशंस। संवेग की बात करें तो संवेग के आधार पर भी एक दूसरे में अंतर पाया जाता है। संवेग किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं इमोशन। इमोशन में दो शब्द होते हैं, ई का मतलब होता है अंदर से और मोशन का मतलब होता है गति। मोशन का मतलब होता है गति। इमोशन वह कारक होता है जो हमको अंदर से गतिशील बना देता है, यानी कि जब भाव, इमोशंस को हिंदी में भाव भी कहते हैं, जब भाव हमारे शरीर में परिवर्तन ला दें, आंतरिक और बाह्य दो रूपों का परिवर्तन, जब शरीर में परिवर्तन भावों के कारण आता है तब हम उसी को संवेग कहते हैं, और जब तक शरीर में परिवर्तन नहीं उत्पन्न करते हैं भाव तब तक वो भाव कहलाते हैं जो हमारे अंदर हर वक्त होते हैं। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा इत्यादि वो भाव हैं जो हमारे अंदर विद्यमान है। उपयुक्त तरीके का उद्दीपक प्रस्तुत होने पर, स्टिमुलस प्रस्तुत होने पर हम जो रिस्पॉन्स करते हैं वो भाव से प्रेरित रिस्पॉन्स होता है, उसी को संवेग कहते हैं कि जब हम शारीरिक रूप से रिस्पॉन्स करने लगे तो संवेग होता है। किसी में क्रोध का स्तर कुछ होगा तो किसी में क्रोध का स्तर कुछ होगा। कोई क्रोधी मिजाज का हो सकता है बचपन से तो कोई बहुत हंसमुख मिजाज का हो सकता है। कोई हमेशा उदास रहने वाला स्वभाव का हो सकता है तो कोई हमेशा प्रसन्नचित रहने वाले स्वभाव का हो सकता है। इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो संवेगों में भी विभिन्नता पाई जाती है। एक बात हम यहां से क्लियर करते चले, आपको बहुत ज्यादा आपको हम समझाने का प्रयत्न नहीं करेंगे क्योंकि बहुत अधिक समझाने से भी बोरियत होने लगती है लेक्चर में, लेकिन एक बात हम यहां पर बता देना चाहते हैं आपको। ये जो हम संवेग के आधार पर अंतर पड़ रहे हैं, ये जो हम व्यक्तित्व के आधार पर अंतर पड़ रहे हैं, ये जो हम शरीर के आधार का अंतर पड़ रहे हैं, आप अपने जहन में एक सवाल हमेशा रख करके चलिएगा, एज ए टीचर हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, इनकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में या हमारे कार्य कुशलता में इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या भूमिका होकर के आएगी। मित्रों, इस सवाल को हमेशा अपने दिमाग में रख करके चलिए और उसका उत्तर, उसका जवाब ढूंढने का प्रयत्न करिए। आपकी जो पेडागोजी होगी ना वो बेहतरीन हो जाएगी, वो तैयार हो जाएगी, कुशल अध्यापक की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। जैसे सिंपल उदाहरण हम आपको दे देते हैं, जैसे आप कहेंगे कि सर हम संवेग के आधार पर विभिन्नता होती है इसको जान लिए, ठीक है, क्या मतलब है इसको जानने का, क्या लाभ है इसको जानने का। तो बेटा आपके क्लास में बहुत से बच्चे होंगे, 30-35 बच्चों की क्लास होगी, आपके सामने इतने बच्चे होंगे, आपको इमोशंस का यूज करना होगा, बच्चों को सिखाने के लिए भावात्मक रूप से प्रेरित करना होगा, अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने प्रति उनको इमोशंस उनका जोड़ना होगा अपने सब्जेक्ट के प्रति। अगर सब्जेक्ट के प्रति इमोशनल लगाव नहीं होगा, टीचर के प्रति इमोशनल लगाव नहीं होगा तो कभी भी वो टीचर से सीख नहीं पाता है। अपने एकेडमिक लाइफ को याद करिए, जिस टीचर से आप चिढ़ते थे, कोई इमोशनल टच जिस टीचर से नहीं होता था उसका सब्जेक्ट कभी समझ में भी नहीं आता था। तो इमोशनल लगाव का, इमोशनल झुकाव का होना बहुत जरूरी है आपके प्रति और आपके सब्जेक्ट के प्रति छात्रों का। और इसी कारण से आपको पता होना चाहिए कि सबके इमोशंस में अंतर पाए जाएंगे। जैसा लगाव, जैसा स्तर इमोशंस का आप चाह रहे हैं, जरूरी नहीं कि सभी बच्चों में उसी प्रकार का इमोशन हो। क्यों? क्योंकि आप पहले से इस बात को जानते हैं, आप पहले से ही इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इमोशंस के आधार पर बच्चों में डिफरेंट पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। यह आपके कार्य के लिए मददगार साबित हो सकता है। इसी तरीके से शरीर को ले लेंगे, इसी तरीके से मानसिकता को भी ले लेंगे। चलिए, संवेग के आधार की विभिन्नता को तो हम लोगों ने देख लिया, आगे हम देख लेंगे लिंग के आधार की विभिन्नता, जेंडर के आधार की, जो जेंडर की भूमिका होती है लिंग के आधार की विभिन्नता। बहुत सिंपल सी बात होती है, यद्यपि हम पैदा होते हैं तो हम क्या होते हैं? मानव होते हैं। हमारा जन्म मानव प्रजाति में होता है। हम यद्यपि मेल और फीमेल के रूप में पैदा बेशक होते हैं जैविक आधार पर, लेकिन प्रारंभ में बच्चे को लिंग के विषय की जानकारी नहीं होती है। बाल्यकाल में जाकर के
समाज के द्वारा इस बात को सिखा दिया जाता है कि ये लड़का है और ये लड़की है, लड़के की ये विशेषता होती है, लड़की की ये विशेषता होती है। तो जो लिंग की भूमिका हमको सामाजिक रूप से प्राप्त हुई है, उस सामाजिक रूप से जो लिंग की भूमिका प्राप्त हुई हमको ना, हम उस नजरिए से मानव में अंतर कर लेते हैं। अंतर, पहला अंतर हमारा प्रमुख रूप से होता है लड़का या लड़की का, लड़का या लड़की का अंतर होता है। तो कक्षा कक्षा में तो यह विभिन्नता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और आप जिस समाज से आते हैं, जिस एनवायरमेंट से आप आते हैं, उस समाज उस एनवायरमेंट के लोगों की भूमिका लिंग के प्रति कैसी है, लोगों की मानसिक दशा लिंग के प्रति कैसी है, इस बात को समझना और लिंग के आधार का अंतर कितनी ज्यादा विभिन्नता पैदा कर सकता है आपकी क्रियाओं में, आपकी गतिविधियों में, इसको समझना आपके लिए जरूरी है। लड़का और लड़की होना ये एक नेचर का स्वभाव है, यह प्राकृतिक है, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और इसके आधार पर आप क्षमता का निर्धारण करने लगे ये बात गलत है। हाँ, ये अलग बात है कि लड़के और लड़कियां बहुत से क्षेत्रों में एक दूसरे से शारीरिक और मानसिक आधार पर अलग जरूर होते हैं, लेकिन आप इस विभिन्नता को केवल इतने तक ही मान करके चलिए कि जैसे लड़का वैसे लड़की ही कक्षा कक्ष में है, यानी कि दोनों में बगैर किसी भेदभाव के आपको शिक्षण का कार्य करना होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इस विभिन्नता को स्वीकार करते हुए चलना होगा कि लड़के और लड़की दो प्रकार की विभिन्नता मानव प्रजाति में कक्षा कक्ष में जरूर पाई जाएगी। तो लिंग के आधार की विभिन्नता केवल इतनी होती है कि लड़का और लड़की ये दो विभिन्नताएं होती हैं हमारे समाज में। इसके बाद के जितनी विभिन्नताएं होती हैं वो गौण विभिन्नताएं होती हैं। अगर हम उनका वर्गीकरण करने लगेंगे तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी विभिन्नता की, अन्य आधार की विभिन्नता में आगे बढ़ते हैं। अन्य आधार की विभिन्नता में भाषा के आधार की विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी, भाषा के आधार पर विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि विविधताओं से भरा हमारा देश है, विविधताओं से भरा देश है, समाज की संस्कृति, समाज की भाषा, इन सब में बहुत अंतर है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर हम में बहुत विभिन्नता है। तो इस विभिन्नता को स्वीकार भी करके हमको चलना होगा। आप एक सवाल अपने मस्तिष्क में कर सकते हैं कि भाषा के आधार पर विभिन्नता पढ़ने से हमको क्या फायदा होगा। तो एक बात यहां पर आपको समझा देता हूं, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है यह प्रश्न। भाषाई विभिन्नता जो आपके कक्षा कक्ष में पाई जाएगी, अगर आपके कक्षा कक्ष में भाषा के आधार पर विभिन्नता है, तो मित्रों एज ए टीचर आप हमेशा भाषाई विभिन्नता को एक संसाधन के रूप में देखेंगे हमेशा। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है, भाषाई विभिन्नता को एक अध्यापक को हमेशा संसाधन के रूप में देखना चाहिए। संसाधन के रूप में इसलिए देखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार के भाषा से एक अध्यापक परिचित ही हो। ऐसा भी नहीं है कि आप अलग भाषा भाषी क्षेत्र के हैं और आपकी नियुक्ति किसी दूसरे भाषा भाषी क्षेत्र में हो जाए जहां की भाषा आपको कम से कम पकड़ में आ रही है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करोगे ऐसे में, वहां जाकर के वहां की भाषा को सीखोगे या अपनी ही भाषा में पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे या एक मानक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे पढ़ाने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल बता देता हूं, अगर भाषाई विभिन्नता है कक्षा कक्ष में, तो हमेशा आप उसे संसाधन के रूप में लेकर के चलेंगे। संसाधन के रूप में लेने का मतलब क्या होता है कि आप कक्षा कक्ष के ही बच्चों के जरिए उस भाषा की जानकारी स्वयं भी प्राप्त कर लेंगे और बच्चों को उसकी जान संबंध की जानकारी भी आपको दे देना है। एक उदाहरण जैसे सिंपल सा दे दें, मान लीजिए कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द हो जिसका आप अर्थ अलग जानते हो, जिसका जिसको आप अलग नाम से जानते हो। जैसे एक सिंपल उदाहरण दे दूं, पूर्वांचल में जो गन्ने को पेर करके रस से गुड़ या भेली बनाया जाता है, उधर जो कठोर वाला बनता है उसको भेली बोला जाता है, और इधर इलाहाबाद और इलाहाबाद से जुड़े जिलों में उसी को गुड़ बोला जाता है। एक सामान्य अंतर मैं समझा रहा हूं, बहुत इजी, ताकि चीजें समझ में आ जाएं। अगर पहली बार आप पूर्वांचल के किसी भी जिले से निकल करके आ रहे हैं और दुकान पर आप जाएंगे भेली खरीदने के लिए, आपका मीठा अगर भेली रखने का मन किया, गुड़ रखने का मन किया, आप जाएंगे भेली खरीदने के लिए, तो दुकानदार इस शब्द को सुनेगा जरूर, लेकिन हो सकता है वो जान ना पाए कि क्या कह रहे हैं आप, क्योंकि यहां पर प्रचलन किस बात का है, उसी को गुड़ कहा जाता है।
ये सिंपल सा है, एक माइन्यूट डिफरेंट मैं आपको समझा रहा हूं। इस तरीके की विभिन्नता भाषा में बहुत देखने को मिलती है। तो आप अगर किसी क्षेत्र में ऐसे चले गए जहां आप किसी वस्तु का नाम लेकर के बच्चों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आप जिस नाम का प्रयोग कर रहे हैं बच्चे उसे उस नाम से ना जान करके दूसरे नाम से जान रहे हैं, तो आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको वह नहीं पता है जो बच्चों को पता है, और जो आपको पता है वो बच्चों को नहीं पता है। तो ऐसे में संसाधन के रूप में आप भाषा का इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को मौका देंगे वो एक दूसरे से थोड़ी सी वार्ता करें। कोई तो बच्चा ऐसा होगा जो उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा, यानी कि जो आपको भी जानता होगा और वहां के क्षेत्रीय भाषा को भी जानता होगा, वही समझाने का प्रयत्न कर देगा, वही बता देगा, आपको संकेत में समझा देगा कि अरे सर वही फला चीज है ऐसी, तब आप समझा ले जाएंगे। तो हमेशा संसाधन के रूप में भाषाई विभिन्नता को लेकर के चलना है। तो भाषा के आधार की विभिन्नता हमने आपको समझा दिया। इसके बाद हम आपको समझा देते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति आधार पर विभिन्नता होगी। सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार की विभिन्नता निश्चित है बात होगी, क्योंकि सभी लोगों का विकास अलग अलग तरीके का होता है, तो जाहिर सी बात है कि सबका सोशल डेवलपमेंट अलग तरीके का होगा। और ये जो सोशल डेवलपमेंट अलग तरीके का हो गया तो सामाजिक पृष्ठभूमि में अंतर हो जाएगा एक दूसरे से, और परिवार की जो कार्य क्षमता होगी, जो उनकी जागरूकता होगी, उसी के आधार पर आर्थिक स्थिति में भी अंतर पाया जाने लगेगा। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति का हो सकता है तो कोई निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति का हो सकता है। आपको केवल जानना है इतना कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर विभिन्नता होती है समाज में, लेकिन ये कतई आपको तय नहीं करना होगा कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बदल जाने से बालक के सीखने की या बालक के बुद्धि लब्धि में अंतर हो जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत बार ऐसा प्रश्न आपके सामने पड़ा होगा कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति से आए हुए बच्चों की सामान्यता बुद्धि लब्धि भी कमजोर होती है। आपने शायद इस टाइप का प्रश्न बहुत पढ़ा होगा। तो ध्यान दे देना बेटा कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बदल जाने के कारण बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा कतई नहीं होगा कि उच्च सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आया हुआ बच्चा उच्च बौद्धिक लब्धि का होगा, बुद्धि लब्धि का, और निम्न आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि से आया हुआ बच्चा निम्न बुद्धि लब्धि का होगा। ये कतई नहीं हो सकता है। ये अलग बात है कि संसाधन के कम हो जाने के कारण, संसाधन में समस्या आ जाने के कारण उनकी सीखने की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत परिवर्तन समय के साथ जरूर हो चुका होता है, लेकिन उसका आईक्यू लेवल पर कोई इफेक्ट विशेष पड़ता नहीं है। इस तरीके से कई क्वालिटी होती हैं, कई श्रेणियां होती हैं जिनको आपको समझना बहुत आवश्यक होता है। सीखने के आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती है। सबका अधिगम स्तर अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये कुल मिला जुला करके तमाम तरीके की विभिन्नता होती है जिसको एज ए टीचर हमको जानना बहुत आवश्यक होता है। तो इस सेशन में उद्देश्य केवल इतना था, हम आपको व्यक्तिक विभिन्नता से अवगत करवाएं, आपका परिचय करवाएं। ये बाल विकास का सुपर टेट के पाठ्यक्रम का पहला टॉपिक होता है जिसकी भूमिका आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन की होती है जो निश्चित पूछा जाता है। पिछली बार जो अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी वहां पर यही पुस्तक पूछा था, हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक किसकी लिखी हुई है, सर फ्रांसिस गाल्टन ने लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था, पिछली भर्ती परीक्षा का पेपर उठा करके 69,000 का देखेंगे तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित है, अब वो डिपेंड करेगा समय पर कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए पूरे टॉपिक को समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए और आप मेंटली तैयार हो जाइए कि यदि यहाँ से कोई प्रश्न पूछा तो हम कर ले जाएंगे। प्रैक्टिस हम इस पर करवाएंगे, कुछ 50-60 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो हमने पिछली वीडियो में आपको यहाँ प्रवेश लेने की प्रक्रिया को समझा दिया था। आप सुपर टेट एंट्री लिख करके अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत आसान है कि आप सुपर टेट एंट्री लिख करके व्हाट्सएप करिएगा, सुपर टेट एंट्री, ये सब स्पेस कर दीजिएगा इसमें, सुपर टेट एंट्री, सुपर टेट एंट्री, सुपर टेट एंट्री लिख करके व्हाट्सएप करिएगा 9125423936। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सुपर टेट एंट्री लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो आपके प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी संस्थान के द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी और बहुत आसानी से आप बैच में ज्वाइन हो जाएंगे और आप अपनी अच्छी तैयारी को एक दिशा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।